हेलो वेलकम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में एजुकेशन रिगार्डिंग न्यूज़। सबसे पहले, जैसा कि आप पढ़ रहे हो, रेलवे में 367 पदों पर के लिए सितंबर में आयोजित होगा भर्ती परीक्षा। फिर अगली निकल के आ रही है ICI भर्ती में 2016 पदों का वर्गीकरण मिला, परिणाम जल्द, यानी 2016 में जो परीक्षा हुई थी उसका परिणाम जल्द। फिर अगला निकल के आया विश्वविद्यालय के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में शोध में भी रोके नकल। फिर RU की जारी की एमपेंट के 26 विषयों का रिजल्ट, यानी कि RU ने जारी कर दिया 26 विषयों की लिस्ट, यानी कि नए सब्जेक्ट निकाले उन्होंने 26, उनमें भी ज्योग्राफी है। और बात कर सकते हैं पॉलिटिक्स है, नॉन नैनो पोलिटिकल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिजन एजुकेशन है, सारी मैनेजमेंट है सब। फिर इसके अगली निकल के आ रही है 10वीं 12वीं की परीक्षा में घटेंगे डिस्क्रिप्टिव सवाल, यानी कि जो बहुत लोगों को घुमाते थे, ऐसे उल्टा फिल्टा कर देते थे कि क्या उसका अंतर है, उल्टा अंदर का अंदर घुसा लेते थे, वो अब सवाल हटा दिए जाएंगे बिल्कुल। 10वीं और 12वीं के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। फिर अगली खबर निकल आ रही है कि RU के अध्यक्ष के लिए 24 घंटे में 6 नामांकन वापस अब मैदान में पहुँचे, यानी कि RU में अब जो छात्र संघ नेता का चुनाव हो रहा है उसमें सिर्फ 6 खड़े हुए थे, सिर्फ 5 रहे हैं। अगला निकल के आ रहा है नॉन मार्डम नए मापदंड राउंड में अब 8092 की जगह 1,27,017 स्टूडेंट शामिल होंगे नए मापदंड के अंदर, या नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया के दोबारा शुरू होगी, नीट काउंसलिंग दोबारा शुरू होगी। जैसा कि हमको पता है कि PTT की जो कल रेट लगाई थी वो उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और फिर लिखा 6वीं 12वीं में फेल हुए 11 साल के 24 देशों में 10,000 शेयरों से पूछा दिया स्टार्टअप, यानी कि उनका बिजनेस बहुत बड़ा है जिनका फोटो साइड में आप देख रहे हो। फिर अगर निकल के अभी तक तो रोज़गार की न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म होती है, रोज़गार का न्यूज़ इतनी आए तो देखो PTT की भी राजस्थान पत्रिका में आ सकती है, हम देख सकते हैं उसमें, और आई होगी तो हम उस वीडियो को जल्दी अपलोड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।